बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल घिया तोरी की। रेसिपी का आगाज़ करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आँच के ऊपर पतीली रखी है, चौथाई प्याली तेल की डाल दी है। इसमें एक चाय का चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा। ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये हल्का गुलाबी माइल सा हो जाए। अब दो बड़े टमाटर, ये भी स्लाइसिस में कटे हुए, दो तीन मिनट इनको सौते करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट एक चाय का चम्मच मिक्स कर लेंगे। आधा किलो घिया तोरी जिसको छील के काट लिया है, दो तीन मिनट इस घिया तोरी को भूनेंगे। मसाले देख लीजिए, नमक हसबे ज़ायका है, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर एक एक चाय का चम्मच और हल्दी चौथाई चाय का चम्मच है। बस अब इसको मिक्स करना है और पकाना है। घिया तोरी भी पानी छोड़ेगी और टमाटर भी पानी छोड़ेंगे, दरमियान दरमियान में हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, घिया तोरी अपने ही पानी में गल जाएगी। इसके बाद तीन से चार खाने के चम्मच दही के, दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। दो से तीन सब्ज मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई शामिल कर देंगे। थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। ढाबा स्टाइल की घिया तोरी हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। घिया तोरी हमारी तैयार है, चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिया के साथ और सब्ज़ मिर्चों के स्लाइसेस के साथ। ढाबा स्टाइल में बनी हुई घिया तोरी को डिश आउट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।